हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सहकारी बैंक भी सी है, कोऑपरेटिव बैंक भी सी, उसमें हम कैश विड्रॉल करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस में डिक्लाइन 51, 57 और 91 आ जाते हैं कभी कभी। तो फ्रेंड्स, इस डिक्लाइन एरर के बारे में हमारे को मालूम नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि ये एरर किसका है, विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, या तो कस्टमर को हम मना कर देते हैं या फिर बाद का बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी बीसी साइड में कैश विड्रॉल कस्टमर का करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिक्लाइन आ गया है। अब ये डिक्लाइन कोड में आता है तो इस कोड का हमारे को पता होना चाहिए कि डिक्लाइन कोड 51 आता है, 57 आता है और 91 आता है। तो फ्रेंड्स, 91 कोड का क्या मतलब होता है और 57 कोड का क्या मतलब होता है और 91 कोड का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल पर नए हैं तो आप हमारा जसोल कंप्यूटर यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप बीसी और एसएसओ एक साथ में चलाना चाहते हो तो आप हमारा ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन एरर के बारे में। तो मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट सेव करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्क्रीनशॉट में है डिक्लाइन 51 और नेक्स्ट बता देता हूँ, इस स्क्रीनशॉट में है डिक्लाइन 57 और नेक्स्ट बता देता हूँ, इस डिक्लाइन एरर में है 91। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन 91 एरर देखने को मिलता है। तो 91 एरर का मतलब होता है कि कस्टमर का हम जो कैश विड्रॉल करते हैं वो कस्टमर के अकाउंट में उतना कैश है नहीं। जैसा कि उनके अकाउंट में 1500 रुपये हैं और हम उनका 2000 विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका विड्रॉल नहीं होगा, या फिर उनके अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा है या उनकी बैंक की तरफ से लिमिट लॉक की गई है 1000 रुपये, 2000 रुपये और हम विड्रॉल कर रहे हैं तो हमारे को डिक्लाइन 51 एरर देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन 57 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये डिक्लाइन 57 कब आता है, जब कस्टमर का अकाउंट बंद होता है या ब्लॉक होता है या अकाउंट में पैसे विड्रॉल करने पर रोक लगाई जाती है बैंक की तरफ से, तो हमारे को ये डिक्लाइन 57 एरर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको विड्रॉल करते टाइम ये डिक्लाइन 57 आ जाए तो कस्टमर को बोल देना है आपका अकाउंट बंद है या ब्लॉक है, आप अपनी बैंक में जाकर संपर्क करो। अब फ्रेंड्स, बात आती है डिक्लाइन 91 के बारे में। तो डिक्लाइन यहाँ पर 91, ये एरर हमारे को कभी कभी देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये एरर कब आता है, जब हमारा बीसी साइड का सर्वर डाउन होता है या डाउन होने वाला होता है तो हमारे को ये डिक्लाइन 91 एरर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस एरर से आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, ये एरर सिर्फ सर्वर डाउन होता है तो ही ये एरर आता है, तो इस एरर का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मैंने आपको एरर तीनों के बारे में बता दिया है, डिक्लाइन 51, डिक्लाइन 57 और डिक्लाइन 91, तीनों एरर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको भी ये समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को देख कर पूरा समझ लें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख कर समझ सके कि ये डिक्लाइन क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।